जयसिंहपुर बस स्टैंड पर नालियां बनाने का कार्य शुरू हो गया है। नालियां बनाने के लिए विभागीय टीम जयसिंहपुर बाजार पहुंची और दुकानदारों से सामान हटाने को कहा। दुकानदारों के सामान हटाने के बाद कार्य शुरू हो गया है। गौरतलब है कि जयसिंहपुर बस स्टैंड पर कभी भी नालियां नहीं बनी, जिसके चलते बरसात के दौरान पानी सड़क पर खड़ा रहता है और सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसके चलते दुकानदारों सहित वाहन चालकों को और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अभी कुछ समय पहले ही पीडब्ल्यूडी ने जयसिंहपुर बस स्टैंड पर सड़क को ऊंचा कर इसे पक्का किया था, लेकिन नालियां न होने के कारण बारिश का पानी सड़क के बीचों बीच खड़ा हो रहा था। लेकिन अब नालियां बनने से सड़क पर पानी इकट्ठा नहीं होगा और सड़क भी जल्दी खराब नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी डिवीजन जयसिंहपुर के एक्सीएन आर के धीमान ने बताया कि जयसिंहपुर बस स्टैंड सहित पूरे बाजार में नालियों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि सड़क जल्द खराब ना हो और लोगों को भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जयसिंहपुर से मुनीश सूद।